मंगलवार को सोलन में शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश सुरेश भारद्वाज ने डाइट सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। सोलन पहुंचने पर सुरेश भारद्वाज का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ सोलन से वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप एवं पूर्व यातायात मंत्री महेंद्र नाथ सोफत उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय कला उत्सव में प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 80 प्रतिभागियों ने एकल गायन, एकल वादन, एकल नृत्य तथा चित्रकला प्रतिस्पर्धा में अपनी कला का लोहा मनवाया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब 27 दिसंबर 2017 को हमने टेक ओवर किया था, हमने 7100 टीचर्स एलिमेंट्री एजुकेशन में ही भर्ती किए हैं। 3636 टीचर्स की कैबिनेट अप्रूवल मिल चुकी है। 2008 से लेकर 2017 तक जितने प्रिंसिपल बने थे वो सब प्लेसमेंट पर थे, उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हुई थी। हमने वो रेगुलराइजेशन 2016 तक की कंप्लीट हो गई है। हमने जब टेकओवर किया था तो प्राइमरी की हमारी क्लासेस की एनरोलमेंट कम हो रही थी, हमने प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की है। आपके सोलन की एससीईआरटी से ही हमने सर्वे कराया था। अभी जो है वो पायलट आधार पर 3700 स्कूलों में ये प्रारंभ किया है, जिसका नतीजा हुआ है कि हमारे लगभग 51,000 नए विद्यार्थी जो है वो इसमें भर्ती हुए हैं। हम सिलेबस में जो है वो बदलाव कर रहे हैं। एससीईआरटी को ही हमने ये काम दे रखा है, उन्होंने चेस है, योगा है, संस्कृत है और संगीत है, इसका सिलेबस जो है वो उस पर काम हो रहा है। और अगले एकेडमिक सेशन तक हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है वो कुछ नए विषयों में जो है वो नए सिलेबस के साथ आएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।